नमस्ते मॉमीज एंड डैडीज, मेरा नाम है आंचल। वेलकम टू मॉम टेल्स। इस चैनल में हम बात करते हैं बेबी केयर, मदरहुड, लाइफस्टाइल और बहुत सारी मॉमी टॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, डिलीवरी के बाद एक मदर को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है मेटर्निटी पैड्स एंड कम्फर्टेबल अंडरवेयर्स। जैसा कि आप जानते हैं, डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो आपके रेगुलर सैनिटरी नैपकिन्स नहीं चलेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो एक दो साइज बड़ा ही लें, बट स्पेशली मेटर्निटी पैड्स इसी वजह से डिजाइन किए गए हैं ताकि आपकी पोस्टपार्टम ब्लीडिंग में हेल्प हो सके। सो डेफिनेटली वो एक मस्ट प्रोडक्ट है आफ्टर डिलीवरी। साथ ही अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, स्टिचेस को हील होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इसलिए आपको कंफर्टेबल अंडरवियर्स ही पहनने हैं जो थोड़े से लूज भी हो और फैब्रिक भी सॉफ्ट हो। नेक्स्ट है ब्रेस्ट पंप। आप लोग जानते ही हैं ये कितना यूजफुल प्रोडक्ट है। एज अ न्यू मदर आपको बच्चे को लैच करने में बहुत दिक्कत रहती है, मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो ऐसे में ब्रेस्ट पंप आपकी काफी हेल्प कर सकता है। अगर बच्चा डायरेक्ट लैच नहीं कर पा रहा तो भी ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है और ये आपके लैचिंग प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर देगा। सो इसे डेफिनेटली ऐड करें अपनी लिस्ट में। नेक्स्ट है निप्पल क्रीम। अब आप बच्चे को दूध पिलाएंगे तो सोर निप्पल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मैं भी इस प्रॉब्लम से गुजर चुकी हूँ। सो ऐसे में आपके पास एक निप्पल क्रीम होना बहुत जरूरी है जो उन सोर निप्पल की प्रॉब्लम को ट्रीट कर सके। पर ध्यान आपको ये रखना है कि आप जो भी निप्पल क्रीम लें वो लैनोलिन बेस्ड हो। नेक्स्ट है कम्फर्टेबल लॉन्च वेयर। अब आप बच्चे को फीड कराएंगे तो लूज फिटिंग कपड़े बिल्कुल होने चाहिए। आप बिल्कुल भी टाइट कपड़े नहीं पहनेंगे, या तो आप फ्लोई सा टॉप पहने या गाउन पहने। बट ध्यान ये रखें कि अगर आप गाउन पहन रहे हैं तो ऐसे गाउन को चूज करें जिसमें यहाँ पे बटन्स हो, ताकि आप इजिली रिमूव करके बच्चे को दूध पिला सकें। सॉफ्ट फैब्रिक वाला ही क्लॉथ लें जो ब्रीदेबल भी हो और आपके सेंसिटिव एरियाज को इरिटेट बिल्कुल भी ना करे। नेक्स्ट है एब्डोमिनल बेल्ट। इस पर तो मैं एक डिटेल वीडियो कर चुकी हूँ, आप डेफिनेटली उसे चेकआउट कीजिएगा कि वो कितनी यूजफुल है आपकी पोस्टपार्टम रिकवरी में। सो डेफिनेटली उसे भी आप जरूर ऐड करें। नेक्स्ट है लैक्टेशन सप्लीमेंट्स। देखिए, कई लोगों को दिक्कत होती है, दूध उन्हें नहीं आता, तो ऐसे में आप लैक्टेशन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लैक्टेशन टीज भी अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं जिससे आपकी मिल्क सप्लाई बढ़ी रहे। सो डेफिनेटली वो भी एक बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट चीज जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी वो है ब्रेस्ट पैड्स। अब ये होते क्या है? सी, स्टार्टिंग में आपका बहुत ज्यादा दूध आता है, कई बार बच्चा नहीं पी पाता जिसकी वजह से लीकेज हो जाती है और वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है और एम्बेरसिंग भी लगता है। तो ऐसे में अगर आप ब्रेस्ट पैड्स का यूज करेंगे वो बहुत हेल्पफुल होता है। वो आपके कपड़े में लीकेज नहीं होने देता और सोक कर लेता है। स्पेशली ऑफिस गोइंग मदर्स के लिए, जिन्होंने मेटर्निटी लीव के बाद अपना ऑफिस ज्वाइन करा हो, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आप लंबे टाइम तक बच्चे को दूध नहीं पिला पाते जिसकी वजह से कई बार लीकेज हो जाता है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग पिलो। ये पिलो स्पेशली डिजाइन किया गया है जो आपको कंफर्ट भी देगा और इससे आपको बैक प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि आप बच्चे को प्रॉपरली लैच करा पाओगे इसकी हेल्प। सो डेफिनेटली ये भी एक बहुत हेल्पफुल प्रोडक्ट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है एक मिल्टन बॉटल एंड एक इलेक्ट्रिक केटल। ये बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है आपकी पोस्टपार्टम जर्नी में। बार बार उठ के पानी गर्म करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए और आपको नॉर्मल पानी नहीं पीना, आपको थोड़ा सा वार्म वाटर ही लेना है आफ्टर डिलीवरी, तो आप इजीली केटल में पानी गर्म करके अपनी बॉटल में भर सकते हैं और पूरा दिन उसे पी सकते हैं। साथ ही इस बॉटल में आप अजवाइन और जीरे का भी पानी बना के पी सकते हैं, वो भी बहुत हेल्प करता है आपके स्टिचेस को हील करने में। सो डेफिनेटली ये बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है आपके लिए। एंड लास्टली जो प्रोडक्ट आपके सबसे ज्यादा काम आएगा वो है बेटाडीन सॉल्यूशन। अगर आपकी वजाइनल डिलीवरी हुई है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपको इस सॉल्यूशन को ल्यूक फॉर्म वाटर में मिक्स करना है और अपने प्राइवेट एरिया, स्पेशली जहाँ पे स्टिचेस लगे हों, उस एरिया को अच्छे से वॉश करना है। इससे आपके स्टिचेस में कोई सेप्टिक भी नहीं पड़ेगा और वो बहुत जल्दी हील होते हैं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है।
सो डेफिनेटली ये आपके बहुत काम आने वाला है। इवन सबसे इम्पोर्टेंट यही प्रोडक्ट है। सो गाइज, ये सारे प्रोडक्ट्स थे जो मुझे लगा आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे पोस्ट डिलीवरी। एक न्यू मदर को इन सारी चीजों की बहुत जरूरत रहती है। बीइंग अ मदर, मैं इस बात से रिलेट कर सकती हूँ। है तो बहुत ही बेसिक चीजें, बट आपके पास ये सब होना बहुत जरूरी है। इससे आपकी पोस्टपार्टम रिकवरी जर्नी काफी इजी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, डेफिनेटली बहुत सारी मॉमीज के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप कोई भी फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग। बाय बाय।